सियासत जो न करवाए वो कम है। साम दाम दंड भेद भी जब काम नहीं आता तो गिरगिट की तरह रंग बदलना सियासी सहूलियत के लिहाज से ज्यादा बेहतर विकल्प नजर आता है। खुद गिरगिट भी इतनी बार रंग नहीं बदलता होगा जनाब, जितनी बार ये खद्दरधारी बदलते हैं। क्यों? क्योंकि सियासत जिंदा रहे, सत्ता हाथ में रहे। आज के दौर में रंग बदलने वाले सियासतदानों में सबसे ऊपर नाम आता है ममता बनर्जी का। वही ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। पल में तोला पल में माशा होना कोई ममता जी से सीखे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी आज जिस मुद्दे पर बीजेपी की छाती पर चढ़ने को आतुर हैं, उसी मुद्दे पर साल 2005 में उनके सुर बिल्कुल उलट थे। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के जिस मुद्दे पर आज ममता बनर्जी बीजेपी पर धर्म के नाम पर देश बांटने की साजिश करने का आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं इस तरह के कदमों से देश में रक्तपात होगा, गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। इसी मुद्दे पर साल 2005 में खुद ममता बनर्जी बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को लेकर संसद में हंगामा कर चुकी हैं। उस दौरान ममता बनर्जी ने स्पीकर पोडियम पर न केवल पेपर फेंका था बल्कि इस मुद्दे पर लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने तक की घोषणा कर दी थी। बीजेपी ने भी तृणमूल चीफ को बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनका पुराना स्टैंड याद दिलाया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने ट्वीट कर पूछा है कि पश्चिम बंगाल के सीएम ने 4 अगस्त 2005 को लोकसभा में कहा था कि बंगाल में होने वाली घुसपैठ अब त्रासदी बन गई है, मेरे पास बांग्लादेशी और भारतीय वोटर्स दोनों की लिस्ट है, ये मामला गंभीर है, मैं ये जानना चाहूंगी कि सदन में इस पर कब चर्चा होगी। जेटली ने पूछा है कि आज बांग्लादेशी घुसपैठ पर ममता अपना रुख क्यों बदल रही है, सिर्फ चंद वोटों के लिए? ममता बनर्जी के पास भले ही जेटली के इस सवाल का जवाब न हो लेकिन एनएमएफ न्यूज के पास इसका जवाब जरूर है। हम आपको बताते हैं कि ममता के सुर एनआरसी पर क्यों बदल गए। दरअसल ममता पर अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण के हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे ने उनको बांग्ला पहचान के लिए लड़ाई का चेहरा बनने का एक मौका दे दिया है। इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर ममता बनर्जी बंगाल में हिंदुओं के बीच अपनी पैठ और छवि को और मजबूत करना चाहती हैं। ममता एनआरसी के तीर से एक साथ कई शिकार करने की कोशिश कर रही हैं। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, इस विरोध के जरिए वो जहां खुद को बंगालियों का मसीहा साबित करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भी वो इसी हथियार को भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रही हैं। ममता को डर है कि अगर वक्त रहते ऐसा नहीं किया तो मोदी शाह की जोड़ी से निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ममता अपने इन मंसूबों में कितना कामयाब हो पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।